नमस्ते बच्चों, देखो कल हमने सर्वनाम का एक प्रकार पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने पुरुषवाचक। आज हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक। तो देखिए, पुरुषवाचक में हमने पढ़ा था कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं पुरुषवाचक? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, तो देखिए ध्यान देना, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह यहीं पढ़ रहा है, तो देखिए कौन पढ़ रहा है? वह। तो इसमें जो ये वह शब्द है ये निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, वह यहीं पढ़ रहा है। तो देखिए परिभाषा को एक बार फिर से पढ़ेंगे। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहले हमने पढ़ा था पुरुषवाचक कल, तो पुरुषवाचक में क्या होता था कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक कहते हैं, और इसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो लिख लीजिए सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में, सुंदर सुंदर शब्दों में लिखेंगे इसको और इसे याद भी करेंगे। इसको कॉपी में लिखने के बाद में अपनी HW कॉपी में भी आप लिखेंगे और इसकी परिभाषा को लर्न करेंगे, याद करेंगे। तो लिख लीजिए सभी, कल मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा लिखाई थी उसे भी आप याद करेंगे। जो अब तक आपने पढ़ा है उसको सभी को याद करेंगे। इससे पहले संज्ञा पढ़ चुके हैं हम, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के जो भेद हैं वो भी याद करेंगे। लिख लीजिए इसको, बोल बोल कर इसे लिखेंगे तो आपको याद भी होगा। देखिए नीचे जो एक उदाहरण दिया है, वह यहीं पढ़ रहा है, तो जो वह शब्द है ये इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है।
वह यही पढ़ रहा है।